आइए रक्तदान करके एक जीवन बचाते हैं। कतरा कतरा खून का जीवन का रसधार, खून अपना देकर करो प्राणों का संचार। सिविल अस्पताल धर्मजयगढ़ में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। विगत 6 महीनों में रक्तदान का यह चौथा शिविर है। रक्तदान को जीवन दान कहा गया। प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को जो रक्तदान के लिए जारी गाइडलाइन में आता है उन्हें अवश्य रक्तदान करना चाहिए। स्वर्गीय लखीराम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ से अनुभवी टीम आकर यहां रक्त यूनिट का संग्रह करती है। बता दें कि अब सिविल अस्पताल धर्मजयगढ़ में भी जरूरतमंदों को ब्लड चढ़ाया जाता है, जिसके लिए यहां ब्लड यूनिट रखने के लिए करोड़ों की मशीन लगाई गई है। ब्लड यूनिट के परीक्षण के बाद 10% धर्मजयगढ़ को दिया जाता है, जिसके लिए अधिक से अधिक रक्तदान करने की अपील की गई है। स्वस्थ मनुष्य को रक्तदान में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती। अगर करना हो तो निकाल, देर न करिए, कीजिए रक्तदान। रक्तदाता दिव्यांग शिक्षक गुड्डू प्रसाद राठिया ने कहा कि आज पहली बार रक्तदान करने का सौभाग्य मिला है। रक्तदान करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। रक्तदान करने के बाद मुझे किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। शिक्षक भगत बेहरा, शिक्षक गुणनिधि पटेल, शिक्षक भगत राम टंडन, ग्राम नरकरू की मितानिन गीता सिदार ने भी रक्तदान किया है। बता दें कि रक्तदान शिविर शाम 5 बजे तक चलेगा। जी सर, वो रक्तदान शिविर लगा है ये मेरे को खबर मिला, और इसी के लिए आया था सर। रक्तदान करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। सर आप शरीर से दिव्यांग हैं तो... जी सर, बस मेरे को रक्तदान करना था इसी